क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब दिल्ली का सीएम कौन होगा और केजरीवाल की जगह कौन लेगा। वरुण, क्या हलचल चल रही है पार्टी में? देखिए, 48 घंटे का आपने समय की बात करी, तो 48 घंटे का समय क्यों दिया गया? पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी, पार्टी जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल के आए उस समय ये परिस्थिति बनी कि आप बीजेपी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगले 20 दिन तक जगह जगह जाकर प्रदर्शन किया जाएगा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए सीएम को और एक परसेप्शन चेंज करने की दिल्ली में कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से और उस प्रदर्शन के जरिए। अरविंद केजरीवाल जानते थे कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी बहुत एग्रेसिवली कैंपेन चलाएगी। दूसरी बात यह है, हमने पहले भी कहा कि इस बार सीएम जेल से बाहर निकले थे तो सीएम बन के नहीं, नेता बन के निकले हैं। उनको पता है हरियाणा में पूरा फोकस करना है, दिल्ली अगर हाथ से निकल गई तो उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो दिल्ली में केवल अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा है जिस पर आप कहीं ना कहीं वोट मांग सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, और खुद मुख्यमंत्री अगर जाते और लोगों से बात करते हैं तो फिर अलग परसेप्शन बदलता और शायद यही परसेप्शन चेंज करने की कोशिश अगले कुछ दिनों में रहने वाली है। अब जो स्ट्रेटेजी होने वाली है आम आदमी पार्टी की वो भी समझ लेते हैं। देखिए, आज जो है वो थोड़ी देर में अभी मनीष सिसोदिया पहुँचेंगे, औपचारिक तौर पर बातचीत करेंगे, ये तय किया जाएगा कौन नाम होगा कौन नाम नहीं होगा। हालाँकि नाम मुझे लगता है कि शायद जैसी इस्तीफे की बात अरविंद केजरीवाल ने सोची होगी उसके साथ साथ ये भी सोच लिया होगा कि आखिर किस नाम को आगे रखना है। विधायक दल की बैठक जो होती है उसमें इस नाम को रखा जाएगा, उस बैठक में उस नाम का प्रस्ताव रखने के बाद मुझे लगता है कि केजरीवाल की बात कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो पार्टी के अंदर ना माने, तो उनकी बात रखते ही सब हामी भर देंगे और उसके बाद उस नाम को फाइनलाइज करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये सब तय पहले से है, ये सब तय इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में परसेप्शन बदलना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में जो इमेज, जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको आपको बदलना होगा। इसलिए अब अगले 20 से 25 दिन हरियाणा के चुनाव के बाद दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां अरविंद केजरीवाल की होने वाली हैं। एक बड़ी रैली होगी रामलीला मैदान के अंदर जिसमें जो है वो पार्टी के तमाम नेता रहेंगे, दिल्ली के लोगों को बुलाया जाएगा और फिर हुंकार भरी जाएगी दिल्ली चुनावों के लिए। तो ये सोच रहने वाली अरविंद केजरीवाल की। लेकिन हाँ, अब नाम कौन रहेगा, जैसे राजीव जी ने कहा कि चर्चाएं तो बहुत लोगों की चल रही हैं, कई वरिष्ठ नेता भी हैं जिनका नाम लगातार जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, लेकिन नाम कोई भी हो सकता है, जो सोचेंगे केजरीवाल वही तय होगा। ये भी हो सकता है कि ऐसा अननोन नाम सुनने में आए जिसे हम और आप सुनकर चौंक जाएं, और ये भी हो सकता है कोई वरिष्ठ नेता जिसको 2 महीने के लिए कमान सौंपी जाए ये सोचकर कि आपको सीधे तौर पर उपराज्यपाल से मुकाबला करना है, आपको दिल्ली के अधिकारियों से जो है वो भिड़ना है, आपको जो है वो जो बचे हुए काम हैं दिल्ली के अंदर, बिजली की सब्सिडी को लेकर बातचीत करनी है, पानी के जो बिल हैं उनको माफ़ कराने की बात करनी है, आपको जल बोर्ड का पैसा वापस करवाना है, ये तमाम ऐसी फाइलें हैं जो अब तक अटकी पड़ी हैं, इनको आगे मुहिम के तौर पे ले जाना और बार बार जनता के बीच जाके समझाना कि फाइलें रुकी हुई हैं, हम काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने नहीं दिया जा रहा। तो यही परसेप्शन बदलने की कोशिश मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी की रहेगी। लेकिन हाँ, 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण, तय किया जाएगा नाम और तय हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री फिर कौन होगा। जी बिल्कुल, अब देखना है अब ऐसा कौन सा चौंकाने वाला नाम यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि इसी के लिए अब अरविंद केजरीवाल भी जाने जाने लगे हैं।